बजट इतने अच्छे बजट है, बजट को देखने के बाद और 10 साल का काम देखने के बाद हर सांसद को बोलना पड़ेगा जो हमारे एरिया में कुछ हुआ है कि क्योंकि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जितने सारे अप्लाई हुआ था मेरे एक गांव में मेरे एक अंचल में बैंक के लिए बोला था 65 ईयर्स, ये CPM वालों कांग्रेस वालों कोई नहीं कर पाया लेकिन आज सैंक्शन हुआ है। मेरे वहां पे हर जगह में काम हुआ है, हर दिन काम होता है। आपका जैसा स्पीड डेवलपमेंट होता है स्ट्रांग कंट्री के लिए मुद्दे का, जैसे UPI आज हर कंट्री में चल रहा है, 50 कंट्री में चलेगा, आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मेक इन इंडिया हम लोग बोल रहे हैं, हर जगह में काम हो रहा है। लेकिन विरोधी पक्ष को एक ही काम है घोटाला, और आज कोई भी 10 साल हो गया एक भी घोटाला सामने नहीं आया। मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा एरिया में कम से कम इतने सारे काम हुआ, 233 करोड़ आपका बिष्णुपुर जयराम मंडी रेलपथ का शुरू किया है, मेरा एरिया में 2 6-lane हाईवे हो रहे, मेरा एरिया में 750 का मंदिर हो रहा है, हर जगह में काम होता है। आज से विरोधी पक्ष का एक ही काम है, काम नहीं हो रहा है। हाँ जी, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, हर दिन रास्ते में बैठते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इतना घोटाला करता है, इतना घोटाला करते हैं, सिर्फ चोर 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 पब्लिक ने बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस वाले को, तृणमूल सरकार को। आज कैग ने रिपोर्ट दिया है 2 लाख के आसपास आपका चोरी हुआ है, उसका UC नहीं जमा दिया है। आज यही बल के लिए हम लोग जो साथी है वो स्वागत होता बोल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, मैं तो बोल रहा हूँ मैं गांव से आता हूँ, मैं बिजुपुर से आता हूँ, हर काम सरकार में हो रहा है 10 साल में। और मोदी जी का बात है ना, एक गतिशील भारत, हमारा सबका साथ सबका विकास वही होगा। मैं सिर्फ यही बोलेंगे, हमारा पश्चिम बंगाल का जितने सारे सांसद है मैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे, 50,000 करोड़ का रेल का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, ये जल्दी जल्दी पास हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा बिष्णुपुर टुताड़ेगा से लेकर अंदर में भवानी की आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसका कुछ भी काम नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी नहीं दे रहा है। हमारे एरिया में केंद्रीय विद्यालय भी हो गया लेकिन उसका जमीन की वजह से रुका हुआ है। मेरा यही है जो हर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे काम करे, आज राम मंदिर हो रहा है वहाँ पे कितने सारे विकास हो रहा है और हमारा पश्चिम बंगाल पीछे जा रहा है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट जितने सारे नागरिक करते हैं उसको DA नहीं मिलते हैं, हमारा वहाँ पे जो कामयाब स्टूडेंट्स है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल जो आगे बोलते थे आज पीछे जा रहा है। मैं यही बोलेंगे ये बजट जो है सुंदर बजट है और हमारा देश आगे बढ़ेंगे, अरे विकसित भारत अगले 25 साल मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सौमित्रा खान। श्री के राममोहन नायडू जी। थैंक यू चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द इंटरिम बजट 2023-24 सर, एंड यू हैव बीन अ विटनेस ऑफ आवर स्पीचेस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। व्हेनेवर देयर हैज बीन अ डिस्कशन ऑन द बजट, द मेन इशू, द इम्पॉर्टेंट इशू दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट इज द AP रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, एंड सिंस द बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश